हेलो सेवंथ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय AMM पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। बच्चों ओपन पेज नंबर 134, एक्सरसाइज 12B। बहुत इजी एक्सरसाइज है, यू हैव टू डू दिस एंड दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 12B में इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें बच्चों एक इक्वेशन दी है m माइनस 2 और इन्होंने हमसे कहा है कि जो m है वो 2 है, तो हम इसमें सिंपली m की जगह 2 रखेंगे। तो हमने जब m की जगह 2 रखा तो इट्स 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है बच्चों, m की जगह जो हमें इन्होंने वैल्यू कह रखी है हमें वो रखनी है, जैसे कि 3 m इंटू माइनस 5, तो m की जगह हम रखेंगे 2। बच्चों 3 और m जो है मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, मैंने आपको लास्ट बार ही बताया था कि जब किसी के साथ कोई वेरिएबल जुड़ा होता है कॉन्स्टेंट, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, प्लस माइनस कुछ नहीं होते, मल्टीप्लाई में होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इज इक्वल टू माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब p हमें इन्होंने माइनस 2 दे रखा है, तो हमें p की जगह माइनस 2 पुट करना है, एंड सिंपल द क्वेश्चन इज ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, इफ a इज दिस एंड b इज दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें a दे रखा है b दे रखा है, सिंपली हमको इक्वेशन में पुट करना है, एंड देन वी गॉट द आंसर। डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इट आई थिंक इट्स नॉट able to not you are going to understand my words because it is very easy exercise, you can do by yourself. You have no question number 10 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसी होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ द जेड इज दिस, जेड दे दिया है, सिंपल वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारा वॉट विल शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू बतानी, जब इन्होंने हमें x बता दिया है तो हमने x की जगह एक्सपेंशन में पुट कर दिया है, देन वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के 5। क्वेश्चन नंबर 12 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जर्व द पैटर्न मेड फ्रॉम डॉट, इज हियर इज अ पैटर्न विच हैज मेड फ्रॉम डॉट एंड द पैटर्न इज अ स्क्वायर, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी डॉट्स आर नीडेड टू मेक अ नेक्स्ट एक्सपेंशन। इट मीन्स दैट देयर इज वन स्क्वायर, देयर इज टू स्क्वायर्स, एंड देयर इज थ्री स्क्वायर्स, एंड नेक्स्ट इज 4, सो वी हैव टू मेक 5 ब्लॉक्स। सो हाउ मेनी dots we have needed, we have given an expansion to n plus 1, from this expansion we will find the value of the dot is which we have to needed, so here is the n of the value is next, the n represents the value of the blocks, मतलब जो n है हमारी squares की value है। अगर मान लीजिए हमें 5 square बनाने, क्योंकि आगे last में 4 है, इसके आगे जो बनेगा 5 होगा, तो हमने 5 इसमें n की जगह रखा, तो 2 into n plus 1 यानी कि n 5 plus 1 is 6, to 2 6 are 12, so we need the 12 dots to make the fifth shape, and here is this shape. So bachcho you have to do this question, this is a very easy question and exercise is very simple, so do this question and prepare for your UTs too, and this is your last exercise of this algebraic expression, so try now take out your GK book. So open your books GK. Here are the list of some phobias, like zoophobia, the people who are afraid of animals, who are light, are called photophobia. ठीक है, नेक्स्ट आपके आपके आते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। बच्चों ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं, दिज आर द डैम्स मेड फ्रॉम वेरियस रिवर्स, तो ये हैं जैसे कि चंबल नदी, चंबल है एक रिवर पर डैम बना हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान को जोड़ता है। इसी तरह से बहुत सारे डैम्स हैं। नेक्स्ट 45 पे इंडस्ट्रियल टाउन, मतलब ये टाउन किस लिए मशहूर है, हॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड जो यूएसए में वो फिल्म्स के लिए मशहूर है, डेट्रॉयज यूएसए में जो है वो सिगार्स और शुगर के लिए मशहूर है, तो इसी तरह से कई हैं। अभी कुछ हमारी बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज यानी कि फॉरेन मूवीज में काम किया हुआ है, तो इनके आपको नाम लर्न करने हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आएंगे 47 पे फेमस क्वेट्स, तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ ने बहुत सारे क्वेट्स कहे हैं, तो दीज आर दिस क्वेट्स, सो यू हैव टू लर्न दिस, एंड इट इज कम्प्लीटेड। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।